आप बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए, आप बैठ के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये जो संविधान संशोधन विधेयक है और अगले 10 साल के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, और मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से लोकसभा में सर्वसम्मति से ये पास हुआ, उसी तरीके से यहाँ भी क्या कहते हैं कि पास होगा। अध्यक्ष जी, ये आरक्षण का जो मुद्दा है, जहाँ तक मुझको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो दलित वर्ग का आरक्षण का मामला है या आदिवासी का है, उसमें किसी लोगों का कोई विरोध जो है वो नहीं रहा है। और इस देश में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर तो हम लोगों के प्रेरणाता हैं, महात्मा फूले जी हैं, पेरियार हैं, रामास्वामी नायकर जी, ये सारे के सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका कम योगदान नहीं रहा है। भगवान बुद्ध कोई दलित नहीं थे, पिछड़ा नहीं थे, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले जो है वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में उन्होंने आवाज़ उठाई थी। दयानंद सरस्वती ब्राह्मण थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने जब पाखंडवाद के खिलाफ में लड़ने का काम किया तो उनको भी जहर देने का काम किया गया। विवेकानंद कायस्थ थे, विवेकानंद ने कहा था कि अरे ऊंची जाति के लोगों, अपने अधिकार को इन शूद्रों के हाथ में दे दो, नहीं तो जब उठेगा तो एक फूंक से तुम्हारी ताकत को उठा करके तुम्हारी शक्ति को फेंक देगा। बीपी सिंह कोई दलित नहीं थे, पिछड़ी जाति के नहीं थे, लेकिन 1990 में मंडल कमीशन को जो है, हम उस समय में मंत्री थे, कल्याण मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, हमारे पास में एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी वोमेन चिल्ड्रेन और लेबर डिपार्टमेंट था, और उस समय में जो है हमने कोशिश किया है 11 महीने में कि चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का हो, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट नहीं था, 14 अप्रैल को उनका तस्वीर लगाया। पहले कहा जाता था जगह ही नहीं है, 77 में जब हम जीत करके आए थे पहली बार, जब पार्लियामेंट में उठाया तो कहा जगह ही नहीं है, और सबसे बढ़िया जगह पर उनका तस्वीर लगाया, उनके जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा किया, उनको भारत रत्न, भारत उनको भारत रत्न देने का काम किया। जो हमारे नवबुद्ध साथी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में धर्म परिवर्तन किए थे, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का काम किया गया। तो इसलिए जो हमने कहा कि कोई इसमें जो ऊंची जाति के भी लोग हैं, हालांकि बीपी सिंह को बहुत गाली सुनना पड़ा, उनके अपने जाति के लोगों ने ही जो है उनको नकार दिया, उनकी मृत्यु कैसे हुई कभी दो लाइन पेपर में भी नहीं आया, लेकिन आगे आने वाला इतिहास जो है हमेशा क्या कहते हैं कि याद रखेगा। तो इसलिए मैंने एससी एसटी एक्ट है वो राजीव जी के समय में हुआ था, लेकिन जब हम मंत्री बने थे हमने उसको नोटिफाई किया, फिर मोदी जी की सरकार में उसको और मजबूत किया गया, फिर जब कोर्ट ने क्या कहते हैं कि उसको जो है गड़बड़ उसमें कहते हैं कि डाइल्यूट करने की कोशिश किया गया, तो फिर उसके बाद जो है 3 दिन के अंदर में जो है लोकसभा और राज्यसभा से पारित करके एससी एसटी एक्ट को जो कह देते हैं कि फिर से कहते हैं बहाल करने का जो है काम किया गया। इसलिए मैं आपसे मैं कह रहा था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हर जाति के लोगों ने लड़ी है। हम तो सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में 1969 में डॉक्टर लोहिया थे, हम क्या कहते हैं कि उस समय में क्या कहते हैं एमएलए बने थे 50 साल पहले, यहाँ क्या कहते हैं कि राम गोपाल जी हैं, वो अपने मुलायम सिंह यादव जी, हम सब लोग
तो हम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, हमारे नेता कौन थे? सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को छोड़ दीजिए, बिहार में पिछड़ी जाति के थे, बकिए सारे के सारे, डॉक्टर लोहिया से लेकर के मधुलमीय, मामा बालेश्वर दयाल, राज नारायण जी, एस एम ज्योति, मधु दंडबते, मृणाल गोरे, प्रमिला दंडबते, ये सारे के सारे जितने लोग थे, भगायतकर जी, ये सारे के सारे ऊंची जाति के लोग थे। और ये हम लोग ट्रेनिंग लेते थे और उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का मतलब था संसोपा, ये संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ऊंची जात का क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सही अपमान, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, करखनिया दामों का कीमत, आने खर से डौड़ा हो, अन्न की दाम की घटती बढ़ती, आने शेर के भीतर हो, महंगाई को जो नहीं रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। देखिए ताली बजाने की जरूरत नहीं है, यार हाँ तो देखिए ये सब वो तो सबके लिए लागू होता है, अंदर आप अपना ऊपर मत लीजिए, सबके लिए। देखिए इसमें आप लोग जो भी सत्ता में था, नहीं राजनीति क्यों लाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ जो हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया है। दलितों के लिए कहा गया था कि जुल्म कहो मत, जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, ये सारा का सारा चीज था। मैं इसलिए कह रहा था कि कोई जाति इसमें ये नहीं था, ये ऊंची जाति के लोग थे, सब लोग थे। और ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों को दुर्भाग्य से जो है 77 के बाद से ट्रेनिंग खत्म हो गया, हम भी हो गए राजनी, हम जो है सत्ता प्रस्त हो गए। कार्यकर्ता क्या कहते हैं कि नेता को देखने लगा कौन पार्टी में है, क्या है, कौन पार्टी पावर में आएगी। तो जो पढ़ाई जो था वो सारा का सारा पढ़ाई जो है वो खत्म हो गया। हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि देखो अमीर गरीब में झगड़ा हो तो हमेशा गरीब का साथ दो, औरत मर्द में झगड़ा हो तो हमेशा औरत का साथ दो, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में झगड़ा हो तो हमेशा अल्पसंख्यक का साथ दो, सरकार और क्या कहते हैं जनता के बीच में झगड़ा हो तो हमेशा जनता का क्या कहते हैं कि साथ देना चाहिए। ये ट्रेनिंग क्या कहते हैं कि जो है ट्रेनिंग दिया जाता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो ये आरक्षण का मुद्दा आया है, ये असल जो आरक्षण का मुद्दा था वो तो 24 सितंबर 32 का था। मैकडॉनल्ड उस समय में क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर थे, वह उसके बाद क्या कहते हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कि कॉमनल अवार्ड दिया था, और वो कॉमनल अवार्ड था कि जिसमें अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो जहां वोट देंगे उनको क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों को ही वोट देने का अधिकार होगा। चूंकि आज क्या है कि 80% आज जो है आबादी है, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, 15% हैं, 85% तो दूसरे हैं। कोई भी शेड्यूल कास्ट का नेता जो है वो आकर के क्या कहते हैं कि जो है जोर से शेड्यूल कास्ट की बात बोलना शुरू करेगा, दूसरे बार में लौट करके नहीं आएगा। इसलिए जो है सब लोग कंप्रोमाइज कर लेता है कि सब लोग खुश रहे, सब लोग खुश रहे। तो इसलिए जो है उन्होंने कहा था, इसी को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जो है अर गए थे, और उन्होंने कहा था कि देखो पाकिस्तान की मांग हो रही है एक सेक्शन के द्वारा, तो हमको भी हमारा अधिकार दो, नहीं तो हम भी अपना अधिकार मांगेंगे, अपना राज मांगेंगे। तब गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए यरबदा जेल में, पूना के सेंट्रल जेल में, और वहाँ जा करके जो है आमरण अनशन पर चले गए। फिर अंत में जो है बहुत दबाव पड़ा बाबा साहब अम्बेडकर पर, और उन्होंने कहा कि ठीक है गांधी जी को बचाने के लिए जो है मैं समझौता कर रहा हूँ। और उन्होंने जाकर के जो है ये जो आरक्षण का जो मामला है, ये 10 साल का जो आरक्षण का मामला उसी समय में हुआ, सितंबर आकर के जनवरी में 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ, लेकिन बेसुनी वहीं से था। इसलिए और उस पहले कौन था, पहले जो आज के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं पहले अछूत माने जाते थे,
बाबा साहब महात्मा गांधी जी ने कहा हरिजन, लेकिन हरिजन जो है वो अनपार्लियामेंट्री शब्द है। साउथ में जो महिलाएं दासी होती है मंदिर में, उनके जो बच्चे होते हैं जिनके बाप का पता नहीं होता है उसको हरिजन कहा जाता है। हम सब लोगों ने विरोध किया था। फिर उसके बाद जो है बाद में क्या कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति बना, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति जो दलित शब्द है वो ऑप्रेस्ड क्लास है, लेकिन क्या है कि बड़ा शब्द था तो वो चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ रामविलास जी, जी प्लीज सर 5 मिनट सर, हम तो कभी बोलते ही नहीं है, ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आप बहुत अनुभवी है, बहुत मेहनत, इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है ये सामाजिक लड़ाई है, ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। और सामाजिक न्याय का मतलब होता है सबको न्याय, और हमें इस बात का खुशी है कि जो अनुसूचित जाति जो हमने कहा 1990 में जब हम आए थे, जो भी हमसे बन पाया 90 में क्या कहते हैं किया, सबसे पहले हमने शुरू किया बाबा साहब अम्बेडकर से, फिर मंडल कमीशन को लागू किया गया। मंडल कमीशन में हमारे दिमाग में कभी नहीं था कि कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, चूंकि बीपी सिंह जी अपने ऊंची जाति के लोग थे, लेकिन बाद में जो है उसको बैकवर्ड फॉरवर्ड का दर्जा दिया गया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि जो माइनॉरिटी के लोग हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब को जन्म दिवस की छुट्टी रामविलास पासवान ने 1990 में बीपी सिंह जी के समय में करने का काम किया था, जो एससी एसटी कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा दिया, जो क्या कहते हैं कि जो है महिला कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा देने का जो है काम किया गया, नौ बुद्धों को आरक्षण देने का काम किया गया। आज कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, किसको मालूम था कि जो है क्या कहते हैं कि जो है वैसा जो सब जो है कांग्रेस पार्टी या एनसीपी या जो है शिवसेना इसका एक मोर्चा बनेगा, किसका बनेगा। तो हम इसको बुरा भी नहीं मानते हैं। अब गया सेकुलरिज्म का जानमाना, अब गया कम्युनलिज्म का जानमाना, अब गया बैकवर्ड फॉरवर्ड का जमाना, अब सीधा मुद्दा जो है वो विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और उसी पर लोगों को जोर देना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बीपी सिंह की सरकार आई, हम लोग हैं उस सरकार में, बीपी सिंह जी ने क्या दिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन्होंने क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर का 5 जगह था, जहां जन्म हुआ वहां क्या कहते हैं कि महू में जाकर के देखिए शानदार स्मारक बन गया, 26 अलीपुर रोड में उनका क्या कहते हैं कि जो है म्यूजियम क्या कहते हैं कि बन गया, लखनऊ में या अमेरिका में इंग्लैंड में जहां पढ़ाई किए थे वहां जाकर के जो है उनके मकान को खरीद करके जो है राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम किया गया। बॉम्बे के हमारे साथी हैं, वहां क्या कहते हैं इंदू मिल की जमीन को खरीद करके और उसको क्या कहते हैं देने का काम किया गया। हल्ला नहीं होता है, हम लोग करते नहीं हैं। एक सब हम के आर नारायणन थे, उपराष्ट्रपति बनाने में रामविलास पासवान 1977 में, जिस समय हम क्या कहते हैं कि देवेगौड़ा गुजराल की सरकार थी, हम लीडर ऑफ द हाउस थे लोकसभा में, उस समय में क्या कहते हैं लड़ करके हम लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया, फिर प्रेसिडेंट बने, लेकिन बिना किसी को मांगे हुए। आज हमारा क्या कहते हैं, हालांकि प्रेसिडेंट का कोई जात नहीं होता है, लेकिन आज हमारा प्रेसिडेंट जो है एक दलित वर्ग का लोग है। हम कभी उसको राजनीतिक कहते हैं, कभी हम राजनीतिक फायदा क्या कहते हैं कि उठाने का काम क्या कहते हैं कि अध्यक्ष जी क्या कहते हैं कि नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आज़ादी के बाद कि देखो देश की आज़ादी मिल गई, पॉलिटिकल आज़ादी क्या कहते हैं बहुत हद तक में जो अछूत वर्ग के लोग थे उनको मिल गया है, लेकिन अभी तक जो आर्थिक और सामाजिक जो है जो विषमता है वो कायम है, और यदि आर्थिक और समानता सामाजिक विषमता कायम रहेगी तो ये वो वर्ग के लोग हैं जो किसी दिन आकर के जो है ये क्या कहते हैं सारे स्ट्रक्चर को खत्म करने का काम करेंगे। राइट आज आप सर 2 मिनट खाली, दो मिनट सर, हमको तो इन लोगों ने टाइम दिया था, हम तो बोलना भी नहीं चाहते थे, कहते थे बीजेपी का टाइम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ट्राइबल है, आज ट्राइबल क्या है, हम जो क्या कहते हैं कि आप जो है मच्छर को जो सर डीडीटी से मार सकते हैं, लेकिन जब तक गंदा नाला का सफाई नहीं होगा मच्छर का पैदा लेना बंद नहीं होगा। तो जो जिसका अधिकार है सर देने का काम कीजिए,
आज मोदी जी हैं, क्या आप जाकर के राहुल जी यदि किसी घर में खाना खाते हैं क्या दिक्कत है? लेकिन आपको इस बात को भी सोचना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री कुंभ मेला में जाते हैं, जहां मांग हो रहा है कि मंदिर मंदिर मंदिर, और वहां से क्या कहते हैं कि निकलते हैं और जाकर के एक सफाई मजदूर के यहाँ जाकर के जो है पांव धोने का काम करते हैं। तो जो अच्छी काम है उसको हम कहते हैं कि उसको जो है अप्रिशिएट क्या कहते हैं कि सर करना चाहिए। और मैं इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि हम भारत एक बगीचा है, इस बगीचा में हर तरह के फूल हैं, हम चाहते हैं कि सब फूल खिले। ऊंची जाति के लोगों को सर खत्म, ऊंची जाति के लोगों को, दलित को मिल गया था आरक्षण, पिछड़ी जाति को गुस्सा था, पिछड़ी जाति को मंडल कमीशन भी लागू हुआ तो ऊंची जाति को गुच्छा था। लेकिन आज हमें इस बात का खुशी है कि भारत का प्रधानमंत्री जो अति पिछड़ी जाति का है और उसके हाथों से जहां बीपी सिंह ऊंची जाति के थे उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया, वहीं एक अति पिछड़ी जाति का जो है प्रधानमंत्री जो है ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण जो है नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है, और यही सामाजिक समरसता है। और हम लोग पार्लियामेंट में हैं, बाहर में जाते हैं, सब भाई हैं, यहाँ है पॉलिटिकल अपना मामला करने चलते रहता है। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो सामाजिक न्याय का मामला है उसमें सब लोग योगदान कीजिए, और जब तक इस देश में सामाजिक न्याय नहीं आएगा, ये पॉलिटिकल आरक्षण तो हो गया है लेकिन तीन क्रांति सर, सांस्कृतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, पॉलिटिकल क्रांति, एक पर हम पहुंच गए हैं, तीनों को हासिल करना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है प्रधानमंत्री जी को, मैं क्या कहते हैं कि हमारे भाई यहाँ क्या कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनको थावरचंद गहलोत जी हमारे नेता हैं राज्यसभा में, तो अनुसूचित जाति के हैं, मैं और सब साथियों को, सभी दल के लोगों को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आग्रह करूंगा कि जब अनुसूचित जाति जनजाति का एट्रोसिटीज का मामला भी, अधिकार का मामला भी, तो हम लोग जो है राजनीति से ऊपर उठ करके उसका समस्या का समाधान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।